है। ये आदरणीय सर्वे संस्थाना जी हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते रहते हैं, आजकल खिलौना बैंक चला रहे हैं और तमाम सारे लोगों को खिलौना बैंक से जोड़ते हैं और जो निराश्रित बच्चे हैं उनके घरों में खिलौने पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ आपके चेहरे पे हंसी देते हैं और वहाँ बच्चों के चेहरे पे हंसी देते हैं। बहुत अच्छी तालियां बजाइए। हासबिंद के बहुत ही शानदार कवि पूरी दुनिया में काव्य पाठ कर चुके हैं, आपका सौभाग्य है कि आपके बीच में है। हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय सर्वे संस्थाना जी को। इतनी भीषण तालियों से मेरा स्वागत तो जिंदगी में पहली बार हुआ है। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत आनंद है। पंकज पुसून ने कहा कि हम पूरी दुनिया में कविता पढ़ चुके हैं, आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तो आप हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे ना हमारा वीजा देखेंगे। हम कवि लोग इसी तरह खूब विदेश जाते हैं, अगर इस बात का अच्छा हंस सकते थे नहीं हंस रहे तो हम क्या करें। पंकज प्रसून अभी यंग है, 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं, इनके लिए आप ताली बजा सकते हैं। मानसी द्विवेदी जी श्रेष्ठ कवयित्री हैं, 5 देशों में जा चुकी हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थोड़ी ज्यादा बजाओ। हमारे मंच पर डॉक्टर अशोक चक्रधर जी हैं, ये 50 देशों की यात्रा कर चुके हैं, बहुत जोरदार तालियां बजा। लेकिन मैं इस मंच का एक ऐसा कवि हूँ जो 55 देशों की यात्रा कर रहा है, और अच्छी ताली बहुत अच्छी ताली। और 56वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था ओझा साहब, 56वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था कि पंकज प्रसून ने जगा दिया, बोले सर उठिए निगोहा आ गया। इस तरह से सब रहता है। श्रृंगार की पंक्तियां डॉक्टर मानसी द्विवेदी ने पढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ी। कोई महिला श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ती है तो वास्तव में अच्छी लगती है, क्योंकि महिलाओं का जेवर श्रृंगार है, मतलब वो अगर श्रृंगार की बातें करते हैं तो नेचुरल है, अगर हम जैसा आदमी श्रृंगार की बातें करें तो कैसा लगेगा। अगर हाथ से कहीं श्रृंगार की पंक्तियां सुनाए तो कैसा लगेगा। मैं 4 पंक्तियां सुनाऊंगा हाथ से कवि का श्रृंगार, और अगर अच्छी लगे तो स्टूडेंट से लेके जो रिटायर्ड स्टूडेंट है वो सब तालियां बजाएंगे। आगे जो बैठे ना भैया ये सब रिटायर्ड स्टूडेंट है, और मैं लगभग रिटायरमेंट की तरफ हूँ, मतलब अभी बस 30-35 साल बाकी है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा, और बहुत अच्छी तालियां चाहिए नहीं तो हम बैठ जाएंगे वैसे जैसे सरकारी इमारत बैठती है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, थोड़ा बात कैसे सुनना आप है? हाँ ये ऐसे सुनना है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। हाँ थोड़ा और टेम्पो बढ़ाना है, थोड़ा और बढ़ाना है। मैं अक्सर सोचता हूँ, सर आज भी बबलू जी बजाइएगा जरूर। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलू, तैयार हो जाना सारे लोग, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलू कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। लेकिन ये श्रृंगार हो कहा लंबे बहुत देर। देखिए कितना महंगा प्यार हमने किया, 4 पहिए पंचर किए, मेरी अमेज गाड़ी है, हालांकि पहले मेरे पास BMW थी, अमेज है, उसका एक पहिया 4,500 का आता है, हमने एक टायर, अब 4 टायर अगर पंचर किए तो 9×2 = 18, यानी 18,000 रुपए की एक ट्रिप पड़ी। इतना महंगा मैंने प्यार किया, जोरदार तालियां बजाइए। हाँ ये ऐसे मैं 2-3 चीजें थोड़ी देर अपने युवा साथियों के लिए हूँ, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे उम्र बढ़ाता चलूंगा और अंत में रिटायर्ड लोगों तक आ जाऊंगा। मैं लखनऊ में रहता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि एक मोटरसाइकिल जा रही है, उस पर 2 लोग बैठे हैं, फिर भी पीछे की सीट खाली रहती है। बात समझ में आ गई? ये सारी बातें प्रतीकों में करनी चाहिए। फिर 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, उसमें और उल्लास देना। ये जो युवा हैं हमारे, जो मेल युवा है यानी जो लड़के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए शिक्षा की बात है। एक बार लड़कों ताली बजाओ मेरे लिए। बहुत हमसे अच्छा कोई शिक्षक नहीं मिलेगा, सब बेकार है। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है,
किसी ने कहा इस तरह की बात, मैंने कही वाह करना। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूं वो यही शायद समझता है। शायद ये नॉट श्योर, श्योर नहीं श्योर श्योर। ये मिलन फिल्म की नूतन है, पवन करे शोर। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ यही शायद समझता है। बड़ा बेवकूफ है नादान है, ताली बहुत अच्छी बजाना। बड़ा बेवकूफ है नादान है बुद्धू है पोंगा है, मैं तो इसलिए जाती हूँ मेरा खर्च बचता है। स्टूडेंट्स लड़कों कल से सावधान हो जाना, बिना मतलब पेट्रोल मत बर्बाद करो। और हमारे सामने पुलिस के बड़े अफसर बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि जब पुलिस का बड़ा अफसर कविता सुन रहा हो तो समझ लो आज कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि अफसर यहीं बैठा हुआ है। बहुत अच्छा। मैं सर गोमती नगर में विपुल खंड में रहता हूँ, अजय साहब के घर के पास। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवान कसम सच्ची घटना। 9 बजे रात में श्रीमती जी बोली जाओ धनिया ले आओ, हरी धनिया। तो 9 बजे रात में श्रीमती भेज सकती, माँ नहीं भेज सकती। वो बिना धनिया के सब्जी बना लेगी, लेकिन अपने बेटे को भेजेगी नहीं, चाहे जितना बड़ा हो चुका हो। तो खैर मैं ऐसे निकला, मोटरसाइकिल ले ली, निकला तो विपुल गंज के पास वही अम्बेडकर स्मारक है, वहीं पे चौराहा है, वहीं पे जांच हो रही थी। मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, बिल्कुल सच्ची घटना। तो उन्होंने हमको रोक लिया, बोले हेलमेट नहीं लगाए हो, 1000 रुपये फाइन पड़ेगा। हमारे यहाँ की पुलिस अच्छी बहुत है, आई अप्रिशिएट पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छी पुलिस। तो हमने कहा सर मेरे पास 1000 तो नहीं है, 110 रुपये है, 100 आप ले लीजिए। वो मान गए, इतनी अच्छी पुलिस 100 रुपये मान गए। अच्छा नहीं नहीं ये सच्ची घटना। मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कि यार कहीं आगे फिर जांच हो रही होगी, अब तो 10 रुपये सिर्फ धनिया भर के बचे हैं, मैं क्या करूंगा। तो मैं वापस गया उनके पास, हमने कहा भाई साहब आगे फिर जांच हो सकती है। तो बोले कोई नहीं, आगे कोई रोके तो कह देना पेप्सी। बिल्कुल सच्ची घटना है, 2 साल पुरानी। तो मैं आगे बढ़ा, पत्रकारपुरम चौराहे की तरफ, मनोज पांडे चौराहे पे ही जांच हो रही, पता नहीं क्या था। मैंने कहा पेप्सी, बोला जाइए। मैं आगे बढ़ा, हमने कहा अरे वाह, पत्रकारपुरम के पास जो है सब्जी मंडी, वहां मिला था। पत्रकारपुरम पे भी जांच हो रही थी, कोई खास बात रही होगी। मैंने वहां भी कहा पेप्सी, बोला जाइए। फिर मुझे मजा आ गया, मैं पूरा गोमती नगर पेप्सी से घूम आया। हमको धनिया लेके गए, इतने सच्ची घटना है। जब इसका अंतिम गाँव तो पूरे पीछे तक उल्लास की तालियां बजनी चाहिए, यूरोपिया क्या नाम है इसका, वही होना चाहिए, उसके मैंने उत्साह होता है। तो दूसरे दिन हमने न हेलमेट लगाया न कागज रखे, क्योंकि पेप्सी थी मेरे पास। मैं सब निकला उसी चौराहे पे जांच हो रही, मैंने सीने पे ठोका ताल, मैंने कहा पेप्सी, बोला अबे किनारे लगा आज कोका कोला है। ये जो है ये सारी चीज, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पब्लिक। अगर इस तरह से कर दिया तो क्या हमारा भी काम हो गया, सबका काम हो गया। ऐसे रहता, मैं लखनऊ से आया हूँ, जब हमारी बात आनंद जी से हो रही थी तो उन्होंने कहा स्टूडेंट्स हैं उनको लखनऊ जाना है। तब मुझे समझ में आया कि ये इंस्टीट्यूट लखनऊ के बाहर है, हमसे बताया था रायबरेली रोड पे। अच्छा मैं PGI तक रायबरेली रोड मानता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है लखनऊ से बाहर है। तो खैर उन्होंने कहा लखनऊ जाना, तो मैं समझ गया 9:15 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो हम बहुत खुश हुए। तो खैर मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती। अच्छा, जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग है। क्या बात है, वाह। तो वहां पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लोग इधर उधर से करते रहते हैं। आप क्षणिका सुनिएगा, मैं व्यंग्य सुनाता हूँ। डॉक्टर अशोक चक्रधर मंच पर है, व्यंग्य के सबसे बड़े रचनाकार हैं, मैं उनकी उपस्थिति में उनके कुनबे का एक छोटा कवि हूँ, मैं व्यंग्य रखता हूँ। अगर व्यंग्य अच्छा लगे तो आप लोग तालियां बजाकर मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा। और आइए अपना स्थान ग्रहण करिए, बहुत हार्दिक स्वागत। सर को बिठाइए, मैं चालू रहूँ? अच्छा मुझे इशारा हो रहा है तो चालू रहूँ, मैं खड़े खड़े सुनेंगे। इतना ही नहीं,
सर आप स्थान ग्रहण करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप अपने पौत्र को गोद में लिए हुए। तो लखनऊ के विधानसभा मार्ग में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई इंजीनियर, कभी कोई नेता। कोई अभी कुछ 20-25 दिन पहले इलेक्शन घोषित होने के बाद मुझे एक गिरगिट मिला। गिरगिट आप लोग जानते हैं, हम लोग ज्यादातर वैसे होते हैं पर शो नहीं करते। तो गिरगिट मिला, उससे मैं छोटी सी बात की। पॉलिटिक्स पर एक महीन व्यंग है, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए अच्छी तालियां बजाइएगा या मत बजाइएगा। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर, लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर, बस जो स्टाइल ऑफ सटायर है आप उसको ध्यान में रखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश मेरे माने राजा, गिरगिटों का राजा। विंग वो होता है जिसमें किसी का नाम न लिया जाए और चीजें समझ जाए। नरेश से मेरा कोई और तात्पर्य नहीं नहीं और हरदोई का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खुद हरदोई का हूँ। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक रूप का अर्थ होता है कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। तैयार हो जाना पीछे तक। किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। मुझे लोग कहते हैं कि नेता पर क्यों व्यंग करते हो, पुलिस पर क्यों व्यंग करते हो, इंजीनियर्स पर व्यंग क्यों करते हो, आईएएस ऑफिसर्स पर व्यंग क्यों करते हो। ये इसलिए व्यंग इन पर किया जाता है, डॉक्टर्स पर क्यों करते हो, क्योंकि ये लोग समाज के नियंत्रक हैं, ये समाज के आगे चलने वाले लोग हैं। जब आगे चलने वाला लोग जिधर चलता है तो समाज उस तरफ चलता है। एक किसान पर हम क्या व्यंग करेंगे जिसको रोटी नहीं मिल रही, एक रिक्शे वाले पर हम क्या व्यंग करेंगे, वो तो व्यवस्था में सिर्फ शोषित है। तो इसी लाइन पर व्यंग किया जाता है, किसी से व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। अगर हमने नेता शब्द कहा है तो ये उन नेताओं के लिए जिन पर लागू होता है, जिन पर नहीं लागू होता वो मुस्कुराकर सुनते रहते हैं। अब एक और छणिका रखता हूँ आपके सामने। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, बदली हुई परिस्थिति बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छा व्यंग रख रहा हूँ, सुनिएगा डॉक्टर साहब। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। बदली हुई परिस्थिति। अब आप देखिएगा कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर अशोक चक्रधर जी बैठे हो तो व्यंग भी उसी स्तर का हो जहाँ पर उनसे आशीर्वाद मिल सके। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। वाह 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 वाह, सो मेनी थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षण का और सुनाता हूँ, हमें डॉक्टर अशोक चक्रधर जी तक पहुँचना है। वो आज के हम सबके हीरो हैं, नायक हैं, अमिताभ बच्चन हैं हमारे, तो हमें उन तक पहुंचना है। लेकिन उससे पहले हम जैसे छोटे छोटे अजय देवगन हैं, वो भी अपनी फिल्म थोड़ी हिट कराना चाहते हैं, इसलिए आप लोग एक बार ताली बजाइए हमारे लिए। मैं फिर शिफ्ट होता हूँ अपने स्टूडेंट्स की तरफ और फिर वापस आकर के मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। बस एक शेर और गजल भी सुनाई डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी ने, मैंने भी एक गजल लिखी है, आप सुनिएगा। पहला शेर तो ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं किसने लिख दी हो, और दूसरे शेर से सारे स्टूडेंट्स आनंद लेंगे। देखिए, उधर दीपक जला था, वो बुझ चुका है। जो दीपक की ज्योति होती है उसके चारों तरफ जो आभा होती है उसको उर्दू में जलाल कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको शेर बहुत अच्छा लगेगा, बाकी के चार शेरों की गारंटी की अच्छी लग रही है। जलाले श्रम से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है,
जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तालियां कमजोर है क्या करना छोड़ो। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। अब सिर्फ पीछे के लोग सुने, तुम्हारी झील सी आंखों में, हाँ ये करना है तुम्हें, करना पड़ेगा। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, यानी हम नहीं दिख रहे, जिससे हमारा इश्क परवान नहीं चढ़ पाता, हम उसके लिए तमाम तरह की बातें बनाने लगते हैं। ये शेर ये कहना चाहता है और अच्छा शेर है, अच्छे ढंग से सुनेगा। ये तो मजाक मैंने कहा कि आके एक लोग न सुने, लेकिन वो भी सुने और अप्रिशिएट करें क्योंकि उनके भी मन की बात है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। हमारा जिससे इश्क नहीं हो पाता हम तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। अब बाकी के दो शेर सिर्फ युवाओं के लिए, इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा। इजहारे इश्क सब लोग जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं, इतना तो पढ़े लिखे हैं आप। इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, अगले मिसरे पर पीछे तक ठहाके और तालियां सब उठे। इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी यानी राइवल। बहुत अच्छा शिक्षा का शेर है, आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा। जो अम्बेडकर नगर से युवा है वो भी सुने। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, तुम मत करो, तुम मेरे प्रतिद्वंदी थोड़ी हो, दाढ़ी के मामले में अगर सीनियर है। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, मत बोलो। अगर मालूम हो, देखो मिश्रा साथ साथ नहीं दोहराया जाता, जब पहले कोई पढ़ ले तब उसको कहा जाता है। अभी मैं पहले पढ़ूंगा फिर तुम कहना। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, कहो तुम। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, ये लग रहा है प्रतिद्वंदी हमारा। अब मैं दूसरा मिश्रा कहूंगा, बिल्कुल असली मिश्रा होगा। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर। क्योंकि कितनी शिक्षा मैं दे रहा हूँ, इसके ज्यादा क्या हो सकता है। और आखिरी शेर ये ना गालिब लिख पाए ना मीर लिख पाए, कोई नहीं लिख पाया, सुनिएगा। है शर्मा भी तेरा आशिक, गालिब साहब शर्मा नाम का शब्द अपनी शायरी में कभी नहीं लाए। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू। शर्मा और वर्मा कोई शायर नहीं लाया, सर्वेश अस्थाना पहली बार लाए। अगर ये शेर सबसे अच्छा दुनिया का हो तो सब लोग बहुत अच्छी ताली बजाना। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआ अस्थाना बेहतर। वाह, मगर इन दोनों लोगों से मुआ अस्थाना बेहतर। पानी भी आ गया है और भी आएगा सब। मैं अब एक व्यंग की कविता और असली कविता अपनी, जो जिस कविता ने वास्तव में मुझे बहुत पहचान दिलाई, डॉक्टर अशोक चक्रधर जी ने उसी कविता को सुनकर मुझे वाह वाह नाम के कार्यक्रम में बुलाया था, जो उन्होंने सन 2004 में शुरू किया था। उसके बाद वो तमाम यात्रा करता हुआ बंद हो गया। वो कविता सत्य घटना पर आधारित है। मैंने आज तक कुछ भी ऐसी कविता नहीं लिखी जिसमें सत्य कहीं पर ना हो। 12-14 साल, नहीं बिल्कुल सच रहा, सिर्फ भगवान के तरफ से झूठ नहीं है। 12-14 साल पुरानी बात है, मैं क्लीन शेव रहा करता था, बिल्कुल ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। आज मैं हैंडसम तो आज भी हूँ, लेकिन तब ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। अब हम 9-10 भाई बहन, 9 की शादी हो चुकी थी। हमारे पिताजी की समस्या ये थी कि मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी, कोई ससुर आता ही नहीं था। कोई ससुर नहीं आता, सही बात है, भगवान कसम सच है, कोई ससुर नहीं आता था। अच्छा, मैं लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता। हमको कौन भगाता, जहां माता पिता बांधते वही बंधना पड़ता। मैं क्लीज, एक दिन एक आया, हमको देखा चल दिया वापस। बिल्कुल सच्ची घटना है, 14-15 साल पहले हमको देखा चल दिया। पिताजी ने कहा, भाई साहब क्यों जा रहे हैं? वेदिता सुनिएगा, पिताजी ने पूछा क्यों जा रहे हैं?
बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं, बोले इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। इस पर ताली बजा सकते थे आप मध्य मार्ग पर। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, लेकिन फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कभी सम्मेलन था, डॉक्टर अशोक चक्रधरजी आए हुए थे। पंकज प्रसून उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके मेरे घर लाए, दोपहर का खाना होना था। मेरे पिताजी मुंह लटकाए बैठे हुए। अच्छा अशोक भाई साहब को कुछ पता नहीं था कि हमारे पिताजी क्यों दुखी हैं, तो उन्होंने पूछा चाचा जी आप क्यों दुखी हैं। पिताजी ने बिल्कुल सच्ची घटना है, आप हमसे जुड़े रहिएगा। पिताजी ने पूछा, पिताजी ने कहा कि क्या होता है सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में कोई अच्छा या बुरा काम जब कम्प्लीट हो जाता है तो गंगा नहाई जाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो अशोक भाई साहब ने कहा कि ऐसा करो भाई साहब की चाचा जी की सर्वेश का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। 28 कन्वर्टेड इंटू 82। अब हम निश्चिंत हो गए, हमने कहा अब तो मेरी शादी हो ही नहीं पाएगी, कोई प्रपोजल नहीं आएगा, मुझको जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची बात है, अभी भी रखे हुए घर पे वो प्रपोजल्स, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तब मैं अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन से इस मुस्कान को ठाके में और ठाके को ताली में बदलना, क्योंकि हम तक पहुंचे रिस्पांस आपका। तो हमने पिताजी से पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया। उसी से कविता बनी थी, झूम के सुनिएगा मेरे जीवन की एक अच्छी कविता। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहा जाता है। अब आप इस पर नहीं समझे, क्योंकि टेंडर नोटिस जल्दी समझ में आता है, जो शब्द जल्दी समझ में आए वो हिंदी। मैं हिंदी वालों से कहता हूं कि दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने भीतर लीजिए, तभी हिंदी बड़ी और विश्व भाषा बन पाएगी। अंग्रेजी ने यही किया, उसने तमाम भाषाओं के शब्द लिए, हमारा डकैत लिया उन्होंने, एज इट इज लिया है। डकैत हमारे यहाँ होते हैं, अंग्रेजी में थोड़ी होते थे, लेकिन उन्होंने एज इट इज लिया। हमारा जंगल एज इट इज उन्होंने लिया। हमारा जो वैन था हमारा जो वाहन था उसको उन्होंने वैन बना करके अपने यहाँ ले लिया। हमारा जो पथ था उसको उन्होंने PATH पास करके अपने में ले लिया। और अंग्रेजी रिच होती चली जा रही, रिच होती चली जा रही। हिंदी वालों को भी इस तरह के काम करने पड़ेंगे। इस बात पर ताली बजाएंगे फिर आगे सोचते क्या होगा। तो पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं, ताकि मुस्कान निकलनी चाहिए। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में था और आगे थोड़ा और बढ़िएगा, एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। तीसरा पूछ रहा था आजाद जी आपकी ताली जाएगा, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है।
पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कहाँ बेचे दे रहे थे, कहाँ किराए के लिए खाली में आई। युद्ध शामिल हो इस कविता में। ये कविता मेरे जीवन की अच्छी कविता इसलिए है कि इस कविता को डॉक्टर अशोक चक्रधर ने पास किया था और कहा था इस कविता को जितना अधिक हो सके उतना सुनाना। आप समझ जाएंगे क्यों कहा होगा इन्होंने। एक में था माल कितना पुराना, चौथा पूछ रहा था क्या ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। वाह, अब जुड़ना, अब ये पढ़े लिखे लोगों की महफिल है और असली कविता अब शुरू होती है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप। जुड़ जाइएगा आप लोग। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। इशारा समझते रहिएगा तो मुझ तक बात पहुंचाइएगा। आपका बेटा किराए के लिए खाली है, हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल दो साल के लिए किराए पर अवश्य दे पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, मैं यूथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप इस कविता में शामिल होइए और इसके पात्र बनिए। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल दो साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। वाह, भले साल दो साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी, अब मैं आपके दिल पर दस्तक देना चाहता हूं, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि अब जो दो पंक्तियां हैं, आप लोग प्लीज उसमें सहमत हो जाइएगा और बताइएगा सहमत है। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे। क्या बात है, वाह। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं, और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। वाह बहनों, तो भाइयों बहनों, मेरी कविता समाप्त हो रही, तो भाइयों बहनों, मैं जो आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूँ, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज